घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फुला मालिका हरि हे ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरण अरविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण मान को सिद्धार्थ भक्तिर जाई फुल मालिका को स्वागत करूछु। भक्त बंधु आमे मान आलोचना करूथले महापुरुष अच्युतंकर से ठारकारर शास्त्र आगत भविष्यतर कथा मालिका जहा लेखिछि गोटिए परे गोटिए सत्य होई चालिछि। आउ मालिका रे अच्युत महापुरुष शिष्य रामदास को आज जो सब कथा कहते आम से कथा को आलोचना करवा आज जो पद को आम मैंने आपत शुणी निहाती आनंदित होजे आजक धन्य मन करे आम एभली मटीर जन्म होचु आज जो मटीर नाम भारत जदि पचरा जाए भारत शब्दर अर्थ कौन भा कहले भाव आत कहले जी भावे रत से हूँ भारत तेणुक से भारत मटी जन्म हो आपण निजक गर्व अनुभव करेंगे ये पद को शुणी सारापर आ कौन से पद महापुरुष अच्युत कौन कहते जाइफुल मालिकार कौन भारत भूमि उपर कि लेखा अच्छी जदि अच्छी से पद कौन महापुरुष अच्युत कौन कहते कहले भारत भूमि जे जान भारत भूमि जे जान भारत भूमि जे जान भारत भूमि जे जान सर्वपूज्य हेब ग्रंथे प्रमाण लो जाई फुल एहा भले राम तु ही सुण 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले भारत भूमि जे जान सर्वपूज्य हेब ग्रंथे प्रमाण लो जाई फुल इहा भले राम तु ही सुण बाबूरे ये कलिजुगरे भारत भूमि कौन हब सर्वपूज्य हब दिने भारत भूमि सर्ववंद्य हब समस्ते वंदना करिवे भारत को शहे एगार देश भारत रो सनातन धर्म अच्छी मालिका को से माने श्रवण करिवे आउ पंचशका साहित्य को ग्रहण करिवे आ सनातन धर्म अवलंबी हेबे शहे एगार देश से मानक भितर प्रभाव पड़ यही कथार तेणु महापुरुष कौन कहले ये देश में कौन एमती अच्छी महापुरुष ये कथा कहते अति सुंदर पदर महापुरुष कहते कौन कहले कहले सत्य शांति दया क्षमार देश आर्यभूमि आम भारत देश गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहले सत्य शांति दया क्षमार देश जदि कौटी थाए ताहा केवल भारत आपण भारत को आसतु किसी अधार्मिक जो अधर्म बढ़ी चलुची आ नास्तिक जो अधर्म बढ़ी चलो किंतु सत्य शांति दया क्षमा अच्छी बोली ये सृष्टि चली महापुरुष कहते आर्यभूमि आम भारत देश आर्यभूमि होची आमर ये भारत देश पुनश्च महापुरुष कौन कहते ये देशर मनोवृत्ति कौन मालिका कहते कौन कहले विश्वमंगल ये पाई ये देश नीति चिंतु थाई से राधाई स गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले विश्व मंगल पाई ये देश नीति चिंतु थाई से राधाई स विश्व मंगल पाई ये देश चिंता करे आ नीति चिंतु थाई राधाईश राधाईश कहले से प्रभु को चिंता करू थाए जगन्नाथ को चिंता करू थाए विश्वर मंगल पाई आपण माने एठी यज्ञ करंती जो माने भारत भूमि रे यज्ञ हुए बड़ बड़ अक्षर लेखाई थाए विश्व शांति महायज्ञ अर्थात विश्वर शांति पाई एठी प्रचेष्टा करा जाए आमर घी आमर काठ आमर नना आमर परिश्रम किंतु आहुति देला बेले आमे कहू विश्वर मंगल हेउ
କୋଉ ଦେଶରେ ଘଟଣା ହୁଏ ନା, କୋଉ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ରହୁ ଭଲରେ ରହୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ନା, କେବଳ ଭାରତ ଭୂମି ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖା ଭବେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତ ଯେଉଁଠି ମାଳିକା କହୁଛି ଏଇ ଦେଶ ଦିନେ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦେଶର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶତ୍ରୁର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ ସେଇ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ଏଠି ଭୀମ ବୋହି କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏଠି ଏଭଳି ଭାବର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପୂଜିତ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ ହେବ ପୂଜିତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶାଶ୍ୱତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ହେବ ପୂଜିତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶାଶ୍ୱତ, ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ହେବ। ଯମୁନା ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପଦକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜଗତକୁ କରିଛି ଧାରଣ, ଜଗତକୁ ଧାରଣ କଲା ଭଳି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାରି ନାମ ଅଟେ ଧର୍ମ ସନାତନ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏଠି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜିତ ହେବ ଭାରତ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଆହାରିବ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଚେତନା ଉତରେଣ ହିଁ ମୁକ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଏହି ଦେଶରେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବେ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭାରତ ମାଟିରେ, କେଉଁଠି ରାମକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାପାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏ ଭାରତ ମାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ ଏଇଠି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭାରତ ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜିତ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବି କାରଣ ଥାଏ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ, ଆଉ ଅନେକ ବସ୍ତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଂସାର ନାଶ ହୁଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛେ କାରଣ ଥାଏ ଅତି ବସ୍ତୁବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଶେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛେ କାରଣ ଥାଇ ଅତି ବସ୍ତୁବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହୁଏ, ତେଣୁ ଅତି ବସ୍ତୁବାଦୀ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଭାବଭକ୍ତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପୂଜ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ମଣିଷ ହୋଇଗଲା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଧରା ହସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ କଥା କହୁନୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନି ଚଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ହେବେ ମଣିଷ ପ୍ରୀତି ପିଉଷରେ ହସିବ ବିଶ୍ୱ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ୟ କଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ହେବେ ମଣିଷ, ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ହେଇକି ଅଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ହେବା ସେଇଦିନ ପ୍ରୀତି ପିଉଷରେ ହସିବ ବିଶ୍ୱ, ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱ ହସିବ। ଲୋକ ଥିବା ହେତୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ହସିପାରୁନି, ମଣିଷ ହେଲେ ଯାଇ ହସିବ, ଲୋକ ମଣିଷ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ ଯେ, ଲୋକ ଯିଏ ସଂସାର ବିଷୟ ରସକୁ ଯେତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ ତଥାପି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆ ଭୋକ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ମଣିଷ କିଏ, ଯାହା ମସ୍ତକରେ ଥାଏ ମଣି ଆଉ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତେ ଈଶ ତାକୁ ବୋଲନ୍ତି ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମସ୍ତକରେ ମଣି ଉଭେଇ ଗଲାଣି,
आमे मणिशून्य तेजशून्य होइगलाणी एबे कार युवक जू थिबा जू नथिबा बक होइ जाउचंती युवक जू थिबा बक हेबा दरकार किंतु युवक तांक भितर आ जू पाउ नै बळ नै हे सुदे सज्जन आमे जो दिन मणि थिबो मस्तक राउ ईश चिंता करिबा से दिन आम जीवन रो लाभ होइ जीवो जणे जण को देखि सारिबा परे जणे कहे बापारे केमिति अछु जणे ता उत्तर रे कहे आज्ञा भल अछि भल शब्द रो उत्तर कोन भल शब्द रो माने कोन जदि उत्तर आसिला भल आमे को बैंक बालांस टंका पैसा रखि तर भल अछु पुओ जियो थिले जा विवाह सजै छि भल अछु देह रे रोग वैराग्य नै भल अछु टंका पैसा आसु छि भल अछु ये भल नुहे जदि भल शब्द को आमे देखिबा भ कहिले जी भगवान ताकू चिंता करुचे तो ल कहिले लय भगवान को प्रति लय अच्छी तो जदि अच्छी भरे भगवान ल रे लय जदि अच्छी आमे भल अछु जदि प्रभु को प्रति आमर लय नहीं आमे विषय रस रे बुड़िकी अछु आमठू आउ मूर्ख केई संसार भितरे नहंति आउ आमे प्रकृत रे भल नाहु तेणु प्रभु को दरबार भितरे भल के माने जो माने भगवान को लय करुछंति तेणु महापुरुष कौन कहिले लोक माने एठी जदि विषय आरसर मोह को छाड़ी अन्याय प्रतिंसा पारायण न होई जदि मनीष होई जिवे प्रीति पीयूषरे हस्य विश्व सारा विश्व हसीबे किंतु महापुरुष अच्युत कहिले लोक मानंकर स्वभाव अनेक धार्मिक हेले मध्य अनेक अधार्मिक रहिबे जो माने अधर्म करि चालिबे आ कोन कोन अधर्म हो मालिका त से कथा को विचार करुचंत आमे से कथा को आलोचना करुचे एमिति लोक जन्म हेबे जो माने प्रतिहिंसा पारायण होई अन्य को हत्या करबा को पछेबे नै सेति पई भारत भली देश सर्वपूज्य हेबा जागा रे आज भारत को मनीष अनेक देश हिंसा चक्र देखुचे काहीं के ना भारत भितरे अनेक शत्रु भारतर मध्य अछंति पुनश्च महापुरुष कहउछंति आउ कोन हबो लोक चरित्र ए अनीति करथिबा लोक मानक चरित्र कोन हबो कोन कहिले एमिति समय आसिबो कोन हबो कले सत्य नथिब काहा पासे मिथ्या रे रहिबे अवश्य राधे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद आहा मिथ्यावादी ए थोके लोक भोग करिबे जे नरक राधे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु सत्य नथिब काहा पासे मिथ्या रे रहिबे अवश्य महापुरुष कहले माने मिथ्यावादी हेबे आ मिथ्यावादी थोके लोक भोग करिवे जो माने मिथ्यार आश्रय नउचंती अनेक अन्याय करुचंती से माने घोर नरक रे पड़िबे बोली महापुरुष कहउचंती आ कोन कहउचंती कोन हबो से मानंकर नरकर भय नथिबो बहुत लोक जणे जण को हत्या कर दउच ता फलटा कोन मिलिबो ताकु छे प्रति भय नहीं एठी सिना हो जेल गला रहिला पुणी मुक्ति हेला किंतु सेठी छुट्टी नहीं सेठी बेल नहीं रे बापा भोगीबा को पड़िबो एठी जेल पूर्वरु बेल मिलुची किंतु पापी मानंकर एठी सेठी बेल नहीं ठकी देई पारो राजदरबार ठकी देई पारो कोर्ट कचेरी रे ठकी न पारो केबे विभू दरबार सावधान एक कथा आमे कहुनु सेठे नरक रे पड़िबे आ अनेक लोकंकर नरक को भय नथिबो महापुरुष कहउचंदी कोन कहिले महापुरुष नरक प्रति भय नाही विचार करुथिबु काही राधे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद आहा नारीक धर्म न रहिबो पुरुष सर्व भूली जीव राधे गोविंद 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि एठी महापुरुष जशोवंत कहिले कहिले नारीकर धर्म न रहिबो पुरुष सर्व भूली जीव नारीकर आउ धर्म कौन रहिबोनि प्रति प्रतार धर्म नारी से धर्म भूली जीव आउ पुरुष मध्य अनेक अत्याचारी हबो नारी मानको बिना दोष रे दंड दबो आउ कटुता वचन कहिबो आउ पुनश्च घरे निज स्त्री थाई मध्य पर स्त्री रे रत हेब एक कथा आमे आगुरु कहिचु आपण मानको आ आजि मध्य वज्रकल्प मालिका रे से कथा मध्य महापुरुष लेखुचंती पुनश्च महापुरुष कोन कहिले
पर पुरुष प्रीति करी तेणु से होई बेदोचारी राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद आहा एठारे कुल धर्म जीव बाळुंगा बेउसा होइब राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहिले सेथि पाई कुल धर्म जीव जोठि कुलस्त्री माने व्यभचारिणी होई जांती सेठे वर्ण शंकर जात हुंती तेणु सेति पई गीता बड़ स्पष्ट भाव रे कहिचंत विभवात प्रदुषंती कुलस्त्रीय स्त्री सुदुष्टासु वास्नेय वर्ण शंकर उपजायते वर्ण शंकर सेउठ जन्म हुए आउ महापुरुष कहिले एठारे कुल धर्म जीव आउ नरक मध्ये पितृ थिबो तांकर पितृ पुरुष मध्ये घोर नरक को जांथि जो नारी माने उत्तम पिंड श्राद्ध न देई पितृ पुरुष मानक उद्देश्य रे पिंड श्राद्ध अर्पण करंती नहीं पुरुष माने घरर पुत्र माने आउ से नारी माने बा बहु माने तांकर पितृ पुरुष जांथि घोर नरक को जांथि आउ से माने अभिशाप दियंथि आउ महापुरुष एक को कहते कौन कहले तेणु कूल धर्म नाश होगा जो पितृपुरुष मैंने पिंड आईबे ना महापुरुष कौन कहले पितृपुरुष पिंड जीव नरक मध्य पितृ थी राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद आहा खोका एक पुत्र होइबे पिंड को विसर्जन देवे राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद कहले अनेक पुत्र माने से माने पिंड श्राद्ध कण देवे ना पितृपुरुष आउ कौन हबो महापुरुष कहते कहले पितृंक दिवस जे जान आमिष करिबे भोजन राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद आहा पितृंक दिवस जे जान आमिष करिबे भोजन राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि पितृपुरुष पिंड श्राद्ध दिन आमिष भक्षण करिबे ये कथा मध्य घटिब महापुरुष कहते आउ पिंड श्राद्ध संसार पितृपुरुष को देवेनी पुत्र माने घरे पिंड श्राद्ध दिन अनेक कल हब आउ कौन घटना घटिब आगत भविष्य मालिका कौन कहले कले जन्मदात्री को भिन्ने करी रहीबे भार्या को आदरी राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद आहा कलह पिता पुत्र हेब भातृ संगरे जुझुथिब राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि बोले जन्मदात्री को भिन्ने करी रहीबे भार्या को आबरी एमती समय आसीज माँ को भिन्ने करदे कह कहीं गड़ गड़ हो घर बाहर नु सी रू कड़े जीव स्त्री कह मुझा तू कड़े जीव आप घर को तू रह ये बुढ़ी एठ विदा हव स्त्री को आबरी कि महापुरुष कहले माँ को विदा कर घर कह बुढ़ा बुढ़ी दुईज जाक यू पलाओ कलह पिता पुत्र हेब आउ यही समय भितर बापा जा कह कल हब आतृ संगते जुजुथ भाई भाई रे एभली लगे महाभारत युद्ध कलीजुगर अधा जो अच्छी पूर्ण हो पुनश्च महापुरुष कौन कहले आउ कौन घटना घटव लिखि रखत आपण मैने महापुरुष जहाँ कहते कौन हम देउले रकत बोहब सेवा कारी रे युद्ध हेब राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद आहा मोहर सेवा न होइब धन गर्वरे भाविथिब राधे गोविंद 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 पदुम गळुछि मकरंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि धनर मोह समस्त सेवायत मानक भितरे एभली होइजिबो सेवा करने को पछेबे धन कमी गला परे कथा आम कहूनु महापुरुष कहते आउ कलह पिता पुत्र जेवली हुए
देउलरे सेइबळी भाबरे सेवाकारी सेवाकारी मानंक भितरे झगडा हबो बाप पुअर घरे लागिलाणी आउ सेवायत सेवायत मानंक भितरे झगडा हबो आउ सेइ झगडार शेष परिणति कोण महापुरुष एटी कहिले देउळे रक्त बोहिबो देउळरे रक्तपात हेबो आउ सेवाकारी मानंक भितरे युद्ध हब आउ सेवाकारी मानंकर युद्ध हला बळे दियो उपास रहिबे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोला पुनश्च महापुरुष कहिले आउ कोण हब कहिले ब्राह्मण वृत्ति छाड़ी देबे शूद्र पंथा को आचरीबे राधे गोविंद 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 ओदो गौड़ श्री मकरंद आहा कहिबे एठी किछि नाही काहि कि रहिबे ए पाई राधे गोविंद 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 ओदो गौड़ श्री मकरंद आहा ए परी कहिबे वचन नर के पति तत जान राधे गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद आहा ए मानंकु जे मुक्ति नाही खंजी अछंति भावग्राही राधे गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की आगत भविष्यत मालिका जो माने निजर वृत्ति रे न रही अन्यर वृत्ति को आपणैबे सेमानंकर कौन गति हबो ना सेमाने घोर नरकरे पड़िबे आउ एहा खंजिचंती भावग्राही बोली कहुचंती आउ जसवंत दास महापुरुष ए कथा को कहुचंती कहले आगत भविष्यत रे भली घटना घटिबो मालिका कौन कहुचि महापुरुष कौन कहिले गुरु नथिबे तत्व जानी शिष्य करिबे मन किणी राधे गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद आहा बणी कपाई गुरु ज्ञान प्रातरु धन कर पण राधे गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद आहा कहिबे कथा टाण करी बहुत सेवा अछि करी राधे गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले आगत भविष्यतर कथा अनेक गुरु बाहरिबे जो माने शिष्य करिबे अनेक पैसा वाला देखि आउ सेमानक ठारु कहिबे तुम्हें धन देले समर्पण भाव रे तुमर बढ़िबो आउ कौन हबो सेमाने कौन बणिक कहिले व्यापार प्रवृत्ति को आपणैबे आउ महापुरुष कौन कहिले समर्पित भाव कुआडे पळि जीव किणा बिका चालिबो शिष्य गुरुंक भितरे एकता आमे कहुनो महापुरुष अच्युत कहुचंती गुरु परंपरा धर्म नष्ट होइ जीव जो भाव थिला से नष्ट होइ जीव आउ कौन हबो महापुरुष कहिले अनेक कटु वचन गुरु शिष्य को कहिबे जा हृदय को कष्ट लागिबो किंतु अनेक गुरु मध्य संसार भितर अछंती जे शिष्यंक ठारु किछि चाहंती नाही शिष्य जाचिले भी नियंती नाही आउ शिष्य जदि अति श्रद्धार सहित गुरु को दिए शिष्यर भी किछि अभाव हब नाही तेणु जदि आपण माने दान देले दानटा आपण दुई डबल करी प्रतिफलित हुए तेणु दान दबार केबे कुंठित मनोभाव रखिबे नाही शिष्य गुरु को देवार आवश्यकता अछि किंतु समर्पित भाव रे प्रेम भाव रे भक्ति भाव रे तेणु काहेकि ना जहाँ तो देछ तुम्हें तो देछ जहाँ नेउ अछ तुम्हें बाकी जहाँ अच्छे सब तो तुम जगुआली खाली आम तेणु जहाँ तो मिली प्रभु कृपार दिन छाड़ी जावा जदि कौन साधु सन्थ सन्यासी सेवार आम धन खर्च हो गला आठ आनंद बा कौन अच्छे तेणु पुनश्च महापुरुष जाई फुल मालिकार कौन कहते आगत भविष्य कौन घटव से कथा आम आलोचना करवा कि समय संकेत आपण मानु विदाय नवा दुई बार नाम संकीर्तन करी जय राधे 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 जय अच्युत अनंत हरि जय राधे 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 जय अच्युत अनंत हरि से नाम भजी मजी भव संसारु होइबा पारि नाम भजी मजी भव संसारु होइबा पारि सेही नाम भजी मजी भव संसारु होइबा पारि बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।